लॉ ऑफ टॉर्च के इस लेक्चर सीरीज में आज हम एक दूसरे डिफरेंस के बारे में बात करेंगे विच इज अवेलेबल टू द रॉन्ग डूअर और विच इज अवेलेबल टू द टॉर्ट फीजर। अपने अब तक के वीडियोस में हमने वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, एक्स टर्पी कौसा नॉन ओरिटर एक्सियू, इनएविटेबल एक्सीडेंट, इन चार जनरल डिफेंसेस को डिटेल में कवर किया है। आज इस वीडियो में हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करेंगे और हम एक केस लॉ भी देखेंगे। तो बेसिकली टॉर्ट में एक पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन के प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन करता है उसे हम रॉन्ग डूअर कहते हैं या टॉर्ट फीजर कहते हैं, और उसके उस एक्ट या ओमिशन के वजह से जिस दूसरे पर्सन के प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन होता है वो कॉम्पनसेशन क्लेम करता है और रॉन्ग डूअर को कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस हैं, देर आर सम डिफेंसेस जिन्हें रॉन्ग डूअर या टॉर्ट फीजर क्लेम कर सकता है और कॉम्पनसेशन देने से बच सकता है, जिसमें वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया है जिसे हमने डिटेल में कवर किया है, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो। एक्स टर्पी कौसा नॉन ओरिटर एक्सियो है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, इनएविटेबल एक्सीडेंट है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये भी क्या है, एक डिफेंस है जो कि मिला हुआ है रॉन्ग डूअर को या टॉर्ट फीजर को। इसका यूज करके रॉन्ग डूअर कॉम्पनसेशन पे करने से बच सकता है। तो क्या है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का कॉन्सेप्ट, आइए समझते हैं। लॉ हर पर्सन को ये राइट देता है कि वो अपने डिफेंस में, अपने सेल्फ डिफेंस में कोई भी एक्ट कर सकता है, अपने और अपने प्रॉपर्टी के या दूसरे पर्सन के लाइफ को बचाने के लिए या दूसरे पर्सन के प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वो कोई भी एक्ट कर सकता है, भले ही उस एक्ट से किसी दूसरे पर्सन को किसी तरह से हार्म हो। तो वैसे कंडीशंस में वो लाइबल नहीं होता और उसे सेल्फ डिफेंस का एक ऑप्शन मिल जाता है कि वो अपने आप को सेफ गार्ड कर सके। अगर हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करें तो हमारे आईपीसी का सेक्शन 96 से लेकर के 106 तक के जो प्रोविजंस हैं आईपीसी के वो डील करते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से। तो एक पर्सन अगर अपने बचाव में या अपनी प्रॉपर्टी के बचाव में कोई एक्ट करता है जिसके वजह से दूसरे पर्सन को किसी तरह से कोई नुकसान पहुंचता है, या एक पर्सन को ऐसा लगता है कि दूसरा पर्सन उसे जान से मारने वाला है या उसे जान से मार सकता है, हमला कर दिया है, तो वो अपने डिफेंस में उसका डेथ भी कॉज कर सकता है। यही है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। द लॉ हैज गिवन परमिशन टू प्रोटेक्ट वन्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी and for that it has allowed the use of reasonable force to protect himself and his property। to aap apne defense mein, apne bachav mein reasonable force apply kar sakte ho। jaise ek person agar aapko thappad marta hai to badle mein aap use bhi maar sakte ho, लेकिन आप उसे जान से नहीं मार सकते। तो आप अपने
बचाव के लिए रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हो, राइट। और जिस फोर्स का आप यूज करोगे, इट मस्ट बी जस्टिफाइड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो आप जो भी एक्ट करोगे, जिस भी फोर्स का यूज करोगे, वो सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करोगे, और वहां पे आपका कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए, राइट। एंड देयर शुड बी एन इमिनेंट थ्रेट टू अ पर्सन्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो अगर आपको लगता है कि उस पर्सन का वो एक्ट आपकी जान ले सकता है या आपके प्रॉपर्टी को नुकसान कर सकता है, तो आप अपने डिफेंस में, एंड बिकॉज देयर इज थ्रेट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यू मे यूज रीजनेबल फोर्स टू जस्टिफाई दैट सिचुएशन। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक पर्सन आपके घर में एंटर करता है फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग रॉबरी, तो आप उसे पकड़ सकते हो, उस पर हमला कर सकते हो, लेकिन आप उसे जान से नहीं मार सकते हो, राइट। या इफ देयर इज ग्रुप ऑफ फोर और फाइव पर्सन, पब्लिक का एक ग्रुप है जो आपको जान से मारना चाह रही है, तो वहां पे अगर आप अपने डिफेंस में किसी पर्सन का डेथ पॉज कर देते हो, तो ये अपने आप में क्या है, रीजनेबल है। यहां आप प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस का एक्सक्यूज ले सकते हो कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो भीड़ आपको जान से मार देती। लेकिन इफ देयर इज टाइम पीरियड जिसमें आप लीगल हेल्प ले सकते हो, जिसमें आप पुलिस की हेल्प ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको कहीं से कॉल आता है और कोई पर्सन कहता है कि वो शाम को आपको जान से मार देगा, तो अब यहाँ पे ये नहीं है कि आप कोई डेंजरस वेपन खरीद लेते हो और अपने घर में ही रहते हो, उसके आने का इंतजार करते हो, और जैसे ही वो आता है आप उस पर हमला कर देते हो, उसे जान से मार देते हो। यहाँ पे आपके पास सफिशियंट टाइम है कि आप पुलिस हेल्प ले सकते हो, आप एक कंप्लेन कर सकते हो, पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो और प्रोटेक्शन ले सकते हो। तो हमारे आईपीसी का सेक्शन 96 से लेकर के सेक्शन 106 बेसिकली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से जुड़ा हुआ है। सेक्शन 96 बेसिकली क्या कहता है, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। आप अपने सेल्फ डिफेंस में कोई चीज करते हो, कोई एक्ट करते हो, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। तो ये सेम चीज हमें टॉर्ट लॉ में भी मिला हुआ है और हमें क्रिमिनल लॉ में भी मिला हुआ है, राइट। जैसे सेक्शन 96 क्या कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आप अपने बचाव के लिए कोई भी चीज करते हो, कोई एक्ट करते हो, जिसके वजह से दूसरे पर्सन को हार्म होता है या इंजरी होता है, तो ये राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में आएगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आएगा। लेकिन आपको केवल और केवल रीजनेबल फोर्स ही अप्लाई करना है। जैसे हमने अभी समझा कि अगर आपको कोई पर्सन थप्पड़ मार दे रहा है या आपको गाली दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत गन उठाए और उसे शूट कर दिए, राइट। अब एक केस है रंजीथम वर्सेस बासवराज। इस केस में ये कहा गया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को लेने के लिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को स्टेब्लिश करने के लिए जो एक्यूज्ड पर्सन है उसे एविडेंसेस देने होंगे कि साहब उसने जो भी एक्ट किया
उस समय में वो अपने सेल्फ डिफेंस में किया, वो अपने बचाव में किया. एविडेंसेस हैड टू बी गिवन बाय एक्यूज्ड इन केस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ठीक है, फिर कह रहा है देयर मस्ट बी रीजनेबल एप्रिहेंशन. आपको आशंका होना चाहिए कि वो पर्सन आपको जान से मार देगा. देयर मस्ट बी रीजनेबल एप्रिहेंशन फॉर क्लेमिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. रीजनेबल एप्रिहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट शुड बी प्रूव्ड. कि अगर आप उसे नहीं मारते तो वो आपको मार देता. इसलिए आपने अपने बचाव में उसे मार दिया. बिकॉज देयर वॉज रीजनेबल एप्रिहेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट. ये कहा गया था अर्जुन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में. सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी बेसिकली उन एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है जिनमें आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते हो. सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी कहता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ. तब आप प्राइवेट डिफेंस में किसी दूसरे पर्सन का डेथ कॉज कर सकते हो. तो सेक्शन 100 कहता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ. इसमें कहता है कि इफ देयर इज रीजनेबल एप्रिहेंशन ऑफ डेथ, अगर आपको आशंका है कि वो पर्सन बस आपको मार देगा जान से, तो वहां आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हो. इफ अ पर्सन ट्राइज टू कमिट रेप, उस केस में आप उसका डेथ कॉज कर सकते हो. इफ अ पर्सन इज ट्राइंग टू कमिट अननेचुरल ऑफेंसेस, अगर एक पर्सन किसी प्रकार से आपके साथ अननेचुरल ऑफेंसेस करता है या अननेचुरल सेक्स करता है, तो वैसे केसेस में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत उसका डेथ कॉज कर सकते हो. किडनैपिंग एंड एबडक्शन के केस में आप उसका डेथ कॉज कर सकते हो, और एसिड अटैक के केस में आप उसका डेथ कॉज कर सकते हो. तो सेक्शन 100 में बेसिकली उन सभी सर्कमस्टांसेस के बारे में बात किया जाता है जिनमें एक पर्सन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत दूसरे पर्सन को जान से मार सकता है, और ये जस्टिफाई है. वहीं सेक्शन 103 कहता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, तब आप अपने प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के रिगार्ड में दूसरे पर्सन का डेथ कॉज कर सकते हैं. ठीक. सेक्शन 97 ऑफ आईपीसी बेसिकली क्या कहता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड बॉडी. सेक्शन 97 आईपीसी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी. सेक्शन 97 स्टेट्स दैट एवरी पर्सन हैज राइट, प्रत्येक व्यक्ति के पास यह अधिकार है
subject to the restrictions contained in section 99. So section 99 of IPC basically अपने आप में उन circumstances के बारे में बात करता है, उन exceptions के बारे में बात करता है जिनमें एक person right of private defense नहीं ले सकता है. तो सेक्शन 97 कहता है कि सभी पर्सन्स के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, एक्सेप्ट दोज कंडीशंस व्हिच आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 99 टू डिफेंड, कि वो अपना बचाव कर सकता है. फर्स्ट, हिज ओन बॉडी, वो अपनी खुद अपने स्वयं की रक्षा कर सकता है, या दूसरे पर्सन के बचाव के लिए वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी. तो कोई पर्सन जो कोई एक्ट कर रहा है, कोई ऑफेंस कर रहा है, तो एक पर्सन उस ऑफेंस से अपने आप को बचा सकता है, या कोई व्यक्ति दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसे भी वो पर्सन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत बचा सकता है. सेकेंडली, द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ, कोई पर्सन अपने किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है, या दूसरे पर्सन के किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ले सकता है, अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस, जो कि ऑफेंस है फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ टॉ, थिफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थिफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास. तो एक पर्सन जो आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में चोरी कर रहा है, या रॉबरी, या मिसचीफ, या क्रिमिनल ट्रेसपास, तो दीज आर सम ऑफेंसेस विच आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी. तो इफ अ पर्सन इज कमिटिंग एनी ऑफ दीज ऑफेंसेस अगेंस्ट योर पर्सनल प्रॉपर्टी, whether movable or immovable, you may take right of private defense. और इसके स्कोप को वॉल्डर करते हुए यह भी कहा गया है कि अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, भले ही वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन की है, ओनर कोई और पर्सन है, अगर आपके सामने हो रहा है, आपको मालूम है, तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहां भी ले सकते हो. तो सिंपल, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ठीक है, तो ये था राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का कॉन्सेप्ट, जिसे हमने आज के इस लेक्चर में डिटेल में समझा. अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एक बेहद इम्पॉर्टेंट जनरल डिफेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि है एक्ट ऑफ गॉड, जिसे आप विस मेजर भी कहते हो, राइट. तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो. Thank you. Have a nice day.